नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बाल मजदूरी के ऊपर। बाल मजदूरी बहुत ही गंभीर समस्या है। बाल मजदूरी को अगर नहीं रोका जाए, उसके रोकथाम के लिए अगर कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में ये एक गंभीर समस्या पैदा कर देगी। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ बाल मजदूरों की संख्या है, जिसमें 55 लाख के आसपास लड़के और 45 लाख के आसपास बाल मजदूरी में लड़कियां शामिल है। वहीं वैश्विक स्तर पर अगर इस आंकड़े को देखें तो पूरे विश्व भर में 15.5 करोड़ के आसपास बाल मजदूरों की संख्या है, यानी प्रत्येक 10 में से एक बच्चा बाल मजदूरी का शिकार है। गरीब देशों में ये आंकड़े तो और भी डरावने हैं, यानी गरीब देश के बच्चे बाल मजदूरी के ज़्यादा शिकार है। वहीं अगर एशिया महाद्वीप को अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप में लगभग 50% बच्चे बाल मजदूरी के शिकार है। वहीं ये आंकड़े अफ्रीका महाद्वीप में और भी डरावने हैं, वहाँ पे ये आंकड़ा लगभग 80% के आसपास देखा जा सकता है। वहाँ के 80% बच्चे बाल मजदूरी के शिकार है। वहीं यूरोप कंट्रियों में इसकी संख्या बहुत कम है, वहाँ पे लगभग 8% के आसपास बच्चे बाल मजदूरी के शिकार है। वहीं अगर अरब कंट्रियों को देखा जाए तो वहाँ पे बाल मजदूरों की संख्या पूरे विश्व भर में सबसे कम है, वहाँ केवल 5% बच्चे ही बाल मजदूरी के शिकार है। इसी बाल मजदूरी को देखते हुए 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि बाल मजदूरी को कैसे रोका जाए। इस संगठन में 187 देशों के सरकारों ने हिस्सा लिया और अपनी सहमति जताई कि बाल श्रम को कैसे रोका जाए। उस पर उन्होंने अपनी सहमति जताते हुए उस पर कठोर कदम उठाने के लिए आश्वासन दिया। जून 1973 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन में यह निर्णय लिया गया कि 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बालकों द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य कराया जाता है तो इसे दंडनीय अपराध के तौर पर माना जाएगा और इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे काम कराने वाले को दंड दिया जाएगा। अब आइए नज़र डालते हैं भारत में बाल मजदूरी को लेकर के क्या क्या कानूने हैं और यहाँ का कानून क्या कहता है। भारत में सन 1986 ईस्वी में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में यह बताया गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चों के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का काम को कराया जाता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाएगा और उसको दंड दिया। सन 2016 में इस कानून में संशोधन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि 5 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों द्वारा किसी भी प्रकार के कार्य को पूरी तरीके से वर्जित रखा जाएगा और 14 से 18 वर्ष के बालकों द्वारा कठिन कार्यों को छोड़कर बाकी सारे कार्य कर सकते हैं। फिर 2017 में इस कानून में संशोधन किया गया और बाल कलाकारों के लिए इसमें अलग से एक सूची बनाई गई और बाल कलाकारों को इसमें छूट दी गई।